नमस्कार, के न्यूज बुलेटिन में आप सभी का मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए आज की ताजा और बड़ी खबरों की ओर डालते हैं सबसे पहले नजर। खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर से। व्यापार मंडल के राष्ट्रीय कार्यालय पर स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम चल रहा था। अज्ञात चोर ने मौके का फायदा उठाकर एक मोटरसाइकिल सफेद रंग की लेकर फरार हो गया। व्यापारी समाज में निराशा है। 12 दिन बीत चुके हैं, अभी तक मोटरसाइकिल बरामद नहीं हो पाई है। कोतवाली पुलिस से अनुरोध किया गया है कि मोटरसाइकिल जल्द से जल्द बरामद करें। व्यापार समाज में निराशा है। चोरी की घटना बिल्कुल निंदनीय है। संवाददाता डॉक्टर नासिर सूरी की खास रिपोर्ट। क्या मामला है? देखिए, 15 अगस्त को 26 जनवरी और 15 अगस्त 1947 के लक्ष्य में स्वतंत्रता दिवस का अवसर था। स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था तो कार्यालय पर बाहर एक साहब की मोटरसाइकिल अपैचे मोटरसाइकिल खड़ी थी। मेन रोड पर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाले रोड पर अपैचे मोटरसाइकिल खड़ी थी। कासिम अली और नन्दे भाई जिनकी मोटरसाइकिल थी, सफ़ेद कलर की मोटरसाइकिल थी। वो चोर और अज्ञात चोर है, चुरा कर ले गए। और 15 अगस्त से आज 26 तारीख हो गई, अभी उसकी मोटरसाइकिल की बरामदगी नहीं हो पाई है। CCTV कैमरों में वो मोटरसाइकिल लेकर जाता हुआ दिखा है। पुलिस ने कवरेज भी में चेक भी किया है। सरकार की फरार पुलिस चौकी उसको देख रही है मामले को, लेकिन एक मोटरसाइकिल बरामद नहीं हो पाई है। इससे व्यापारी समाज में निराशा है। हमारी ये कोशिश रहेगी, जिला प्रशासन से अनुरोध रहेगा कि अतिशीघ्र थाना कोतवाली की पुलिस मोटरसाइकिल को बरामद करे और चोरों को इतनी सख्त सजा दे कि दोबारा जिंदगी में चोरी करने की कोशिश ना करे। हर हाल में व्यापारी की जो मोटरसाइकिल चोरी गई है तो मोटरसाइकिल बरामद होनी चाहिए। ये आपके कार्यालय से हुई है? ये कार्यालय के बाहर सड़क पर, सड़क पे। अच्छा, किस दिन और क्या तारीख थी? 15 अगस्त का दिन था। लगभग 10-11 दिन हो गए। हाँ, और दिन दहाड़े चोरी हुई है लगभग 12 बजे का टाइम। वो बड़ी अफसोसनाकजनक घटना है, उससे हम सब लोग दुखी हैं और इसकी उसको खुलासे की मांग करते हैं कि इसका खुलासा होना चाहिए हर हाल में, और उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और हमारा कल इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली गजेंद्र त्यागी महोदय से भी हमारी भेंट वार्ता हुई थी और हमने उनको अवगत कराया है लिखित में व्यापार मंडल के माध्यम से कि व्यापारी की मोटरसाइकिल का खुलासा होना चाहिए और चोरी गई मोटरसाइकिल बरामद होगी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी ये मोटरसाइकिल बरामद होगी और चोर होगी गिरफ्तार। धन्यवाद।